आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नवरात्र के पहले दिन होती है माता के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना। जानिए माता शैलपुत्री की कथा, पूजन विधि आदि विस्तार से। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन धर्म के कैलेंडर के अनुसार पितर पक्ष के समाप्त होने अर्थात पितर मोक्ष अमावस्या के उपरांत सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है, जिसमें देवी माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का महत्व बेहद खास माना जाता है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। आइए जानते हैं कि कितने प्रकार की नवरात्रि साल भर में होती है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती है। पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती है। वैसे सनातन धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। एक गुप्त नवरात्रि माघ महीने में और दूसरी आषाढ़ महीने में मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की सार्वजनिक रूप से पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। वर्ष 2024 में 3 अक्टूबर से होगी शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। इस बार पितर पक्ष सितंबर में संपन्न हो रहे हैं और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होगी। इस दौरान घरों में माँ दुर्गा की आराधना का पूरे विधि विधान के पूजन किया जाएगा। इसके लिए पूरे रीति रिवाज और मुहूर्त के अनुसार घरों में कलश स्थापना कर 9 दिनों तक माता की आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशमी मनाई जाती है, जिसे दशहरा या विजयादशमी भी कहा जाता है। इसमें सत्य की असत्य पर जीत के भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसके बाद नवरात्रि का समापन होगा। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। घरों में नवरात्रि का पूजन करने से पहले इसके लिए घट स्थापना का विधि विधान किया जाता है। इसे पूरे मुहूर्त के अनुसार ही घर में 9 दिनों के लिए स्थापित किया जा जाता है। इस बार इसके लिए घट स्थापना 3 अक्टूबर को होगी। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:24 से सुबह 8:45 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त अपराह्न 11:52 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। हर साल नवरात्रि के दौरान दिन के हिसाब से माँ की सवारी तय की जाती है। अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार और सोमवार से हो रही है तो माँ की सवारी हाथी मानी जाती है। अगर नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार और शनिवार से हो रही है तो माँ की सवारी घोड़ा होती है। वहीं अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार और शुक्रवार से हो रही है तो माँ की सवारी डोली या पालकी होती है। साल 2024 में नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है तो माँ की सवारी डोली होगी। वहीं शनिवार को नवरात्रि का समापन होने का मतलब है कि माँ पैदल जाएंगी। माँ दुर्गा का पालकी पर आना शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा माँ का पैदल प्रस्थान भी शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए भक्तों को नवरात्रि के दौरान डोली पर सवार होकर आई माँ की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इससे आप कई कठिन परिस्थितियों से बच सकते हैं। आइए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि के पहले दिन किसकी पूजा की जाती है। शारदीय या शारदेय नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती के रूप में इनको देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं माता शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में।
माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभायमान रहता है। माता अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह की जाए माता शैलपुत्री की पूजा। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगाजल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा शोर शोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। इसके बाद सफेद पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा दुर्गा चालीसा दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तष्टी आदि का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। वहीं कुछ जानकार विद्वान यह भी बताते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है, इसलिए माता की पूजा के लिए इनके चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र बेहद प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या सफेद फूल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त कष्ट क्लेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग सुपारी मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पण करें। आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की कथा के बारे में। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख भगवान शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अर गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाक्षी भी की। प्रजापति दक्ष ने भी भगवान शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बन गईं। जानिए माता शैलपुत्री को कौन सी चीजें प्रिय है। पर्वतराज हिमालय की पुत्र होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफेद चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। माता को सफेद फूल और सफेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफेद मिष्ठान का ही भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है।
माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पतहथर और पतहथर को सदैव अडिग माना जाता है। जानते हैं कि आखिर शारदीय नवरात्रि का क्या है महत्व? शारदीय नवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी समय देवताओं ने दैत्यों से परास्त होकर और आद्या शक्ति की प्रार्थना की थी। देवताओं की पुकार सुनकर देवी माँ का प्रकट हुई थी। उनके इसी प्राकट्य से दैत्यों के संहार करने पर देवी माँ की स्तुति देवताओं ने की थी। उसी उपलक्ष्य में शारदीय नवरात्रि मनाया जाता है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।